कार्रवाई की, तो उस वक्त महिला जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, आरएसी के जवान, इसके अलावा पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी वो मौके पर मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने पहले ही इस चीज को कह दिया था कि एक्शन होगा, और इस चीज को हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि बुलडोजर एक्शन जो है वो भजनलाल सरकार करेगी आरोपी के घर पर, और उसकी पूरी कागजी कार्रवाई जो थी वो पहले से दुरुस्त कर दी गई थी। एसपी, आईजी और इसके साथ में डीएम उदयपुर जो थे उन्होंने इस चीज को लेकर के मीटिंग की। मीटिंग के बाद में एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। एक्शन प्लान तैयार करने के बाद में उसको जमीनी स्तर पर सर्कुलेट किया गया, और जिस तरीके से मैंने वहां जिस तरीके से दर्शकों को दिखाया कि बुलडोजर एक्शन हुआ है, तो वो इंक्रोचमेंट था वन भूमि की जगह पर, और एक बड़ा इंक्रोचमेंट जो था वो किया हुआ था। बहरहाल भीड़ बहुत ज्यादा वहां पे थी, इसीलिए एक हैवी डिप्लॉयमेंट जो था वो पुलिस को करना पड़ा, क्योंकि बहुत संजीदगी की तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज था पुलिस के लिए वो यही था कि इस कार्रवाई को जब अंजाम दे प्रशासन, तो उस वक्त कोई अप्रिय घटना ना हो, जिसकी वजह से जो चीजें अभी चल रही हैं उदयपुर में वो दूसरे रिएक्शन के तौर पर ना देखी जाए। लेकिन फिलहाल भजनलाल सरकार का एक आदेश आता है, उसके बाद में जिस तरीके से कार्रवाई होती है वो बताती है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। पुलिस और सरकार सख्ती से निपटेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। ये मैसेज और ये स्टैंड जो है ये न सिर्फ सरकार का, प्रशासन का और पुलिस का, तीनों का बिल्कुल क्लियर था, और यही कारण था कि 24 घंटे के भीतर भीतर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि जब रात में हमने एसपी से बात की थी योगेश गोयल से, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तरीके से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, क्योंकि पूरे उदयपुर शहर को 4 से 5 अलग अलग जोन में बांट दिया गया था। जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके हैं वहां पे तमाम फोर्स को डिप्लॉय किया गया, हैवी डिप्लॉयमेंट वहां पे किया गया। इसके साथ में नेटबंदी की गई, नेटबंदी को बढ़ाया जा सकता है, यह भी हमें संकेत मिल रहा है। हमारे सोर्स जो है, सूत्र जो है, वो विश्वसनीय सूत्र कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे के लिए नेटबंदी जो है वो बढ़ाई जाएगी प्रशासन की तरफ से। ये संभागीय आयुक्त जो है वो ऑर्डर भी देर शाम को जारी करेंगे। दूसरी तरफ भजनलाल सरकार ने अपना खुद का स्टेट प्लेन और उसमें तमाम मेडिकल कर्मियों को जो है वहां से जयपुर से, ठीक है अमरदीप, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन आपकी रिपोर्ट भी दिखा देते हैं, क्योंकि देखिए बुलडोजर से लगातार एक्शन वहां पर देखने को मिला, किस तरीके से कार्रवाई की गई, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती थी जब ध्वस्तीकरण का काम वहां पर हो रहा था। एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट अमरदीप की आपको दिखाते हैं। जयपुर में पुलिस मुस्तैद हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मार्च है वो निकाला जाएगा पुलिस की तरफ से, और अलग अलग हिस्सों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे तैनाती के लिए ये पूरी आरएसी की जो बटालियन है वो है, इसके साथ में पुलिसकर्मी हैं, तमाम बड़े पुलिस अधिकारी है। पीछे तक दिखाएं और ये मुस्तैदी जो है वो चल रही है, तैयारी आप यहाँ पे देखेंगे, और तैयारी यहाँ पे देखने के बाद में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देंगी। यहाँ पे पुलिस की मुस्तैदी जो है वो अलग अलग हिस्सों में जो है पुलिस ने अलग अलग जोन बनाए हैं, अति संवेदन इलाके जो हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। पीछे वज्र वाहन जो है वो आपको दिखाई देगा, इसके साथ में पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो आपको दिखाई देंगी, और साथ ही तमाम जो यहाँ पे पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। जिस तरीके का माहौल यहाँ ख़राब करने की कोशिश की थी, अब उस माहौल को ठीक करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर है, और पुलिस हर वो काम कर रही है जिससे उदयपुर की शांति बहाल हो सके। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अमरदीप, जिस तरीके की तस्वीरें आपने यहाँ पर दिखाई कि बुलडोजर एक्शन यहाँ पर किया गया, लेकिन जो बच्चा जख्मी हुआ था क्या उसके परिवार से कोई बातचीत हो पाई है, ये मामला पता चल पाया कि किस बात को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि स्कूल में चाकूबाजी हो गई, स्कूल प्रशासन का क्या कहना है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए स्कूल प्रशासन, चूंकि आज प्रशासन ने स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई थी, स्कूल प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल प्रशासन से जुड़े हुए किसी भी टीचर्स ने फोन नहीं उठाया। वो बातचीत अभी इस घटना के बारे में नहीं करना चाह रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन आरोपी छात्र की माँ से जब मैंने बात की, रिपब्लिक से उन्होंने एक्सक्लूसिव बात की, तो उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले मैंने अपने बेटे को 100 रुपये दिए थे और वो अब मेले में गया था, उर्स मेले में गया था, और उर्स मेले से वो चाकू खरीद लेके आया था, जिसकी भनक जो थी उसके परिवारजनों को नहीं थी। 3 दिन से यानी कि ये प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि वो चाकू जब खरीद करके लेकर के आया उसके बाद उसने अपनी स्कूटी की डिग्गी में उस चाकू को रखा, और 3 दिन से ये प्लानिंग चल रही थी। और यही कारण था कि आरोपी की जो मां थी उसने रिपब्लिक से बातचीत में यह भी खुलासा किया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, हो सकता है कि मेरे बेटे को इस घटना के लिए यूज किया हो, इस घटना के लिए अंजाम देने के लिए एक प्लानिंग रची गई हो। इन तमाम चीजों पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैं
अपने बेटे को जानती हूँ, 14 साल का बेटा है, 10वीं क्लास में पढ़ता है और इस तरीके की घटना को वो कभी भी अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन कौन लोग थे जो इस घटना के पीछे थे? पुलिस और इंटेलिजेंस के साथ सरकार, प्रशासन, तमाम लोग इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो परिवार है जो विलखती माँ है, जो विलखती बहन है, विलखती दादी है, वो अपने बेटे को जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में देख रही है। लगातार इस घटना को लेकर के लोगों का रिएक्शन आ रहे हैं, तो दोनों अलग अलग तरीके के रिएक्शन निकल रहे हैं कि क्लास में पढ़ने वाले सहपाठी कैसे बच्चों के बीच में यह हालत तक जो है हालात तक स्थिति पहुंच जाती है। वापस आपके पास यहां पर पहुंचेंगे अमर, लेकिन अमर ने जब यह पूरा एक्शन हुआ है बुलडोजर का, कैसे मकान को ढाया गया है, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरोपी छात्र के ऊपर भजनलाल सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ है और बताया जा रहा है कि वन विभाग की ये भूमि थी जिस पर ये मकान बना हुआ था। आरोपी छात्र के घर पर बुलडोजर चला है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो बुलडोजर लगातार यहाँ पे कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ तमाम जो लोग हैं वो छत पे खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार लोग मौजूद हैं, पुलिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार कार्रवाई को अंजाम देती हुई ये उदयपुर प्रशासन की जो टीम है वो कर रही है। इसके साथ आगे की तरफ चलें महेश और ये बताएं कि भीड़ जो है वो कितनी है। ये भीड़ जो है आगे की तरफ निकल रही है और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा तस्वीरें आपको कि किस तरीके से है। यहाँ से हम चलेंगे, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ ठीक पीछे पुलिस के साथ यहाँ पे आप देखेंगे सामने की तरफ ये भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा भीड़ है, बड़ी तादाद में भीड़ है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से यहाँ पर आरोपी के घर को जमींदोज किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर भजनलाल सरकार की तरफ से एक बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है कि किसी भी तरीके से अशांति जो है अगर वहाँ पर फैलाई जाती है तो बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि देखिए 24 घंटे के अंदर ये बड़ी कार्रवाई हुई है, आरोपी के घर पर बुलडोजर, बताया ये गया कि अवैध तरीके से घर का निर्माण किया गया था, उस हिस्से को ढा दिया गया है। वन विभाग की जमीन थी जिस पर एक ऐसा हिस्सा था जो अवैध तरीके से जिसका निर्माण किया गया था। तो उदयपुर में कल बवाल हुआ और इसके 24 घंटे के बाद ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, लेकिन इसको लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं क्योंकि दो बच्चों की लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, नौबत चाकूबाजी तक आ जाती है, इसके बाद झीलों के शहर उदयपुर में अशांति इस तरीके से बिगड़ती है कि हालात पर काबू पाना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद हालात पर काबू तो पा लिया गया, लेकिन इसी के बीच आपको बता दें कि जहां पर हिंसा हुई वहां पर धारा 144 और साथ ही साथ 24 घंटे के लिए इंटर सेवा भी बंद है। और बड़ी खबर आपको बताएं, जयपुर में भी उदयपुर जैसी वारदात से सनसनी फैल गई है जहां मामूली विवाद में चाकूबाजी हुई है, युवक की मौत बताई जा रही है। ई रिक्शा की टक्कर के बाद चाकूबाजी की वारदात हुई और वारदात से नाराज लोगों की तरफ से नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया है। उदयपुर जैसी ही वारदात सामने आई है राजस्थान की राजधानी जयपुर से।